अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनीत ने गोरखपुर में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को कोविड का टीका मुहैया कराए। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है, जिससे कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रहा है। सुप्रिया श्रीनीत ने कहा कि केंद्र सरकार समान टीकाकरण के तहत सभी राज्यों को बिना भेदभाव के वैक्सीन उपलब्ध करा दे, जिससे लोगों को कोविड का टीकाकरण कराया जा सके, जिससे कोविड संक्रमण कम हो सके। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में वैक्सीन की कमी के कारण कई लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन की तत्काल व्यवस्था करे और विदेशों में भेजी जाने वाली वैक्सीन पर रोक लगाए। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आप सब लोगों को नमस्ते मंगाना है, अगर आ सकता है तो आ सकते, कोई बात नहीं। धन्यवाद है। और आज के कार्यक्रम की हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी हमारी मुख्य अतिथि हैं। का कह के अपनी बड़ी बहन को प्रेस वार्ता करने का एक अभिनंदन कर रही हूँ कि आप मेरा घर है, तो उस होने के नाते कुछ बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें, कुछ बड़ी ज़रूरी बातें मीडिया के माध्यम से रखनी थी, और आशा करती हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ये बातें जन जन तक और लोगों तक पहुँचेंगी और शायद सोती हुई सरकारों को जगाने का काम करें। आज उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हमारे ज़िला अध्यक्ष, हमारी कांग्रेस की टीमें जाकर DM को ज्ञापन दी हैं, जो हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचे और उसमें हम यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, सबको समान टीका मिले, सबको टीका मिले, इस बात पर जोर दे रहे हैं और हमने वही मुहिम पूरे देश में चलाई हुई है। मैं कुछ चीज़ें आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से, आपको तो पता ही है कि क्या हो रहा है, आपके माध्यम से लोगों की जानकारी के लिए बोलना चाहती हूँ। हमारी मांग है समान टीकाकरण हो, और इसलिए है क्योंकि हमारे देश में अभी तक सिर्फ 3.5% से कम जनसंख्या को दोनों टीके लगे हैं, सिर्फ 3.5% से कम जनसंख्या को दोनों टीके। तो जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं 20 करोड़ और 10 करोड़ और फलाना करोड़, वो सब बकवास है। एक ही फिगर काउंट करता है और वो है 3.5 करोड़ से कम लोगों को पूर्णतः टीकाकरण हुआ है। दूसरा, अलग अलग राज्यों का, निजी अस्पतालों का, गवर्नमेंट अस्पतालों का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, सबका जो दाम है वो अलग है और उससे काफ़ी कन्फ्यूजन है और उससे टीकाकरण ठीक से हो नहीं पा रहा है। मैं ये भी आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में 2 अप्रैल को 42 लाख टीके रोज लग रहे थे और आज 12 लाख से कम लग रहे थे पिछले हफ्ते तक, अब थोड़ा सा बढ़ के 18 लाख के आसपास पहुँचा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का निर्माता है हमारा देश, वहां पर टीकों की किल्लत हो गई? ऐसा क्यों हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता के यहां ऑक्सीजन की किल्लत हो गई और लोगों ने तड़प तड़प के दम तोड़ा? और अगर आपको कोई ये कहे, सरकार का नुमाइंदा, चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, कि मौतें कम हुई हैं, वो बिल्कुल गलत बात कर रहा है। मौत बिल्कुल कम नहीं हुई है। आज की तारीख में रोजाना मौतें हिंदुस्तान में पूरे विश्व की एक तिहाई। पिछले 7 दिन में अगर हमारे यहाँ औसतन मौतें 3200 हुई हैं, तो पूरे विश्व में 11000 कुछ हुई हैं। तो एक तिहाई मौतें पूरे विश्व की आज हिंदुस्तान में हो रही हैं। ये फिगर इंपॉर्टेंट है और ये फिगर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग दुहाई देते हैं हमारे यहाँ लोग कम मर रहे हैं। हमने सब ने आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा है कि कैसे तड़प तड़प कर लोगों की जान गई बिना ऑक्सीजन के। और हम वैक्सीनेशन पर क्यों जोर दे रहे हैं और हम क्यों यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारा देश पूरे विश्व में एकमात्र अकेला देश है जहां पर राज्यों में होड़ लगी हुई है वैक्सीन खरीदने की। हर देश में केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद कर राज्यों को दे रही है और फिर वो टीके लगा रहे हैं। हमारे देश में केंद्र सरकार ने पलड़ा झाड़ लिया है और वैक्सीनेशन जो है वो राज्य सरकारों के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ दिया गया है। हमारा देश एक अकेला देश है जहां पर एक दाम नहीं, कई दाम है वैक्सीनेशन के, वैक्सीन के भी कई दाम है। और इसीलिए जरूरी है
कि हम उन सब बातों के बारे में बात करें। इस बात का जवाब कौन देगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए आपने महज दो कंपनियों को चुना, सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को। एक कोविशील्ड बनाती है, एक कोवैक्सीन बनाती है। और ऐसा नहीं आपके पास सुझाव नहीं आ रहे थे, और मैं इसी पे आ रही हूं। हमने 5 महीने पहले से आपको सुझाव दे रहे हैं। हम कह रहे हैं आप देश में प्रचुर मात्रा में वैक्सीन बनाने की व्यवस्था करिए। वो आप कर सकते थे, और 2 सेकंड में बताती हूँ कैसे। हमारा दूसरा सुझाव था कि आप विदेशी वैक्सीनों को अनुमति दीजिए। आपने दोनों हमारे सुझावों को नकारा, उसका मजाक बनाया। ये सुझाव सोनिया गांधी जी की तरफ से गए थे, राहुल गांधी जी की तरफ से गए थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की तरफ से गए थे, जिसका संज्ञान तक प्रधानमंत्री ने नहीं लिया, और जूनियर मिनिस्टर्स ने उसका उपहास बनाकर बड़े भद्दे लहजे में सवाल जवाब कर एक पत्र लिखा था। लेकिन अंततोगत्वा यही सवाल आज आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि आपने कैसे सोचा था कि दो लोग आपकी वैक्सीन निर्माण कर लेंगे। आपने क्यों नहीं विदेशी वैक्सीन को अनुमति दी? आपने अप्रैल में आकर स्पुतनिक को अनुमति दी। और अब आपको मैं कुछ आंकड़े और बता देती हूँ। सीरम इंस्टीट्यूट जो कि कोविशील्ड बना रहा है, जो आप में से कई लोगों ने लगवाई होगी, वो 6 करोड़ वैक्सीन मासिक बना सकता है, ऊपर ले जा सकता है 9 से 10 करोड़ सिर्फ जुलाई अगस्त तक। भारत बायोटेक ICMR सरकार के साथ मिलकर जो बना रहा है वो 60 लाख वैक्सीन महीने की बना सकता है, इसको 90 लाख से 1 करोड़ ले जा सकता है जुलाई अगस्त तक। स्पुतनिक जो इंडिया आया है, डॉक्टर रेड्डीज और 6-7 और लैब्स मिलकर उसको बनाएंगे, उसकी भी प्रचुर मात्रा में जो उत्पादन है वो जुलाई अगस्त तक ही हो पाएगा। तो अब आप मुझे बताइए कि ये किसकी जिम्मेदारी थी कि वैक्सीन प्रचुर मात्रा में अवेलेबल रहे? फाइजर आपके पास दिसंबर में आया, आपने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली फरवरी में। जब राज्यों के ऊपर आपने ठीकरा फोड़ा तो राज्य क्या करते? राज्य कोई भी दाम देने को तैयार हुए, अधिकांश राज्यों ने कहा, और इसमें भाजपा शासित राज्य भी हैं, कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, गैर कांग्रेस गैर भाजपा भी हैं, कि ठीक है हम अपने लोगों को मुफ्त में लगाएंगे वैक्सीन। लेकिन जब वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स निर्माताओं के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते। घरेलू वालों ने कहा कि हम तो अभी केंद्र सरकार के ही ऑर्डर पूरे कर रहे हैं, और जो विदेशी थे मॉडर्ना या फाइजर, उन्होंने कहा हम आपको नहीं दे सकते, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। और आज तक ये बताते हुए खेद है कि ना फाइजर और ना मॉडर्ना से केंद्र सरकार की अभी तक कोई भी सकारात्मक बात हो पाई है। और स्वीकृति कब आएगी, वो मैन्युफैक्चरिंग कब होगी, वो वैक्सीन कब आएगी, ये शायद वही बता सकते हैं। तो अच्छे सुझावों का जो दरकिनार करने का आपका रवैया है, सिर्फ क्योंकि विपक्ष की ओर से सुझाव आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल निरर्थक है, और ये कहीं पर देश की जनता का स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा दांव पर लगाकर आपने ये कदम उठाया है। तो हमारी मांग है कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो, हमारी मांग है कि सारे देश को एक ही दाम पर वैक्सीन मिले और सबको वैक्सीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। हमारी मांग है कि केंद्र सरकारों को, जो कि मजबूर है अपने वैक्सीनेशन को बंद करने के लिए, आप बहस के लिए बहस कर लीजिए, गोरखपुर में कितने लोगों को 18 से 44 वर्ष में आज वैक्सीन लग रही है मुझे नहीं पता है, क्योंकि डेटा बताता है, और अभी मैं इस डेटा को भी बता देती हूँ उत्तर प्रदेश में, उसके लिए डेटा बताता है कि उत्तर प्रदेश वैक्सीन लगवाने में बहुत ही कमजोर है, बहुत ही कमजोर, और अभी मैं आपको बताती हूँ 1 मिनट में क्यों। हमारी मांग है आप जल्द से जल्द विदेशी वैक्सीनों को अनुमति दें, आप युद्ध स्तर पर घरेलू वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाएं, और सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे कि आप सुर्खियां बटोरना छोड़ दीजिए, वक्त काम का है और काम की बात करिए, लोगों की जान बचाइए, लोगों को सुरक्षा कवच दीजिए वैक्सीन का, और वो तभी हो सकता है जब आप उचित दर पर प्रचुर मात्रा में कहीं से भी लाकर वैक्सीन बनाएंगे और लाएंगे देश में। और ये हम नहीं कह रहे, कोर्ट तक कह रहा है, बैग बोरो या स्टील, चोरी करिए, डाका डालिए, उधार पर लीजिए, या कहीं से भी आप वैक्सीन लाइए, आप देश के लिए वैक्सीन लाइए, ये उच्चतम न्यायालय का कहना है, हाई कोर्ट का कहना है। उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या करीब 24 से 25 करोड़ है, ये बिल्कुल नवीनतम आंकड़ा है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है, यहां पर टोटल डोज जिसमें से कि डबल और सिंगल दोनों है, उत्तर प्रदेश में टोटल डोज अभी तक 1,94,00,000 लगी है, 1,94,00,000 25 से 26 करोड़ लोगों के प्रदेश में, जिसमें से डबल डोज मात्र 35 लाख लोगों को लगी है। सो पूर्ण वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में मात्र 35 लाख लोगों का हुआ है। मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूं, लेकिन आपको एक आंकड़ा बताना जरूरी है। राजस्थान में हमारी सरकार है, राजस्थान की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 1/3 जनसंख्या है,
और वहां पर 31 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी हैं और 1,73,00,000 उत्तर प्रदेश के बराबर बराबर डोज टोटल लग चुकी है। महाराष्ट्र, जिसकी आबादी आधी है उत्तर प्रदेश से, जब योगी जी कहते हैं कि हमने सिचुएशन पर काबू पा लिया, उनको ये नंबर पूछिएगा आप लोग, महाराष्ट्र आधी आबादी का है, 2,32,00,000 लोगों को टोटल वैक्सीनेशन लगा चुका है और दूसरी डोज वहां पर करीब करीब 46,00,000 लोगों को, 46,78,000 लोगों को लग चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश की डबल डोज से ज्यादा है और ये आधा जनसंख्या का प्रदेश है। तो कहीं पर उत्तर प्रदेश और बिहार में वैक्सीनेशन 7% से कम है और दिक्कत तलब बात यह है कि यहां पर हिंदुस्तान की 1/4 जनता रहती है। तो जब तक आप इस जनता को सुरक्षा कवच नहीं दीजिएगा, जब तक आप इस जनता की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कीजिएगा, आप जबानी जमा खर्च भले करते रहिए, लोग सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। लोगों का आपसे ध्यान और विश्वास इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप जबानी जमा खर्च करते हैं। हम फिर से कहेंगे, सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, प्रियंका गांधी जी की लीडरशिप में, हमारी एक ही मांग है, आप यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करिए। आपकी ये जो त्रुटिपूर्ण नीति है, जिसका ठीकरा आपने राज्य सरकारों पर फोड़ दिया है, पलड़ा झाड़ लिया है, मुँह फेर लिया है, वो बंद करिए ये तमाशा और अपने लोगों को ये सुरक्षा कवच दीजिए वैक्सीन का। गांव देहात में कोरोना पहुंच चुका है, जो टाइफाइड से मौतें बताई जा रही हैं वो टाइफाइड से नहीं हो रही हैं, वो कोरोना से हो रही हैं। आप भले आंकड़े छुपाइए, डेथ सर्टिफिकेट बता रहे हैं कि मौतें कितनी ज़्यादा हो रही हैं। सिर्फ मीडिया में नहीं, कांग्रेस अध्यक्षा ने 4-4, 5-5 पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री जी को, राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसी सवाल को उठाते हुए पत्र लिखा है कि एक देश में आप इस तरह का विरोधाभास नहीं कर सकते हैं। आप गांव देहातों में नहीं लगा रहे हैं वैक्सीन, सिर्फ शहरों में लगा रहे हैं, सिर्फ कोविन से लग रही है, आज यहाँ लाइट नहीं आ रही है। मैं जानना चाहती हूँ गोरखपुर के इस इलाके में लाइट नहीं आ रही है, इस इलाके में कितना टावर आ रहा है, कितने लोगों को वैक्सीन लग सकता है कोविन के आपके जरिए। तो ये जो भेदभाव क्रिएट किया जा रहा है, ये सिर्फ हमारा कहना नहीं है, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है आपसे कि कोविन के थ्रू आप कितने लोगों को वैक्सीन लगा लेंगे और आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो आपका जो सवाल है वो बिल्कुल ठीक है कि आप अलग अलग दामों पर लगा रहे हैं, आप अलग अलग नीतियां अपना रहे हैं, आप सबसे ज्यादा डिजिटल डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। जिस गांव देहात में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पर लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, और इसीलिए हमारी जो पहल है, हमारे कई कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों के स्लॉट बुक कर रहे हैं, क्योंकि मरता क्या ना करता, आपको करना ही पड़ेगा लोगों के लिए। लेकिन हमारा केंद्र सरकार से ये विनम्र निवेदन है और हम हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करते हैं कि लोगों की जान बचाना प्राथमिकता करिए, सबका टीकाकरण करिए।